प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछान पैरी जिला रायपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कक्षा आठवीं विषय हिंदी को लेकर। प्यारे बच्चों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ 20, इसका शीर्षक है मिनी महात्मा। प्यारे बच्चों यह पाठ गांधी जी की विचारधारा पर केंद्रित है। गांधी जी का यह कथन था कि अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है। इस कथन को आपने भी सुना होगा? हाँ निश्चित रूप से। तो ऐसे ही अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है, ये जो नीति की बात है जिसका गांधी जी ने जीवन भर पालन किया और इसका पालन करते हुए उन्होंने लोगों को अत्याचार का विरोध करने की शिक्षा अपने आचरण से गांधी जी ने दिया। अब गांधी जी के द्वारा दिए गए इस शिक्षा को हम में से अधिकांश लोग सुनते तो हैं लेकिन आचरण में नहीं ला पाते हैं। तो इस कहानी में एक ऐसा प्रमुख पात्र है जो एक बालक है, आपके जैसा बालक है। जैसे आप लोगों को विभिन्न नाम होता है ना, किसी का नाम होता है रामू, किष्णु, विजय, मोहन, तो ऐसे ही इस पाठ का जो केंद्रीय पात्र है मोहन, वो भी आपके जैसा ही है। वह गांधी जी के इस वाक्य अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है इसको आत्मसात करता है और वह ठान लेता है कि अत्याचार को सहना नहीं है, विरोध करना है। तो विरोध कैसे करना है? विरोध करना है दृढ़ होकर, अपनी बात पर दृढ़ रहना है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना। गांधी जी का भी मार्ग यही था, वे अंग्रेजों का विरोध करते थे, किस तरह? शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से, किंतु अपनी बात पर दृढ़ होकर। तो वैसे ही इस कहानी का मुख्य पात्र मोहन पुलिस अधिकारी की ज्यादती का शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ विरोध करता है। अपनी बात पर वह अड़ जाता है कि नहीं, आपने गलत किया है, आपने अत्याचार किया है, मुझको आप इसका विरोध करना है। इस बात पर वह दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अडिग हो जाता है। आइए इस कहानी में किस तरह घटनाक्रम घटता है इसके विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे। अपने निश्चय पर अटल मोहन के प्रतिकार के समक्ष पुलिस अधिकारी को अपनी गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त करनी पड़ती है। प्रस्तुत कहानी में न सिर्फ किशोर वय में बालक की दृढ़ता और प्रतिकार की शक्ति को अभिव्यक्त करती है, यह कहानी संबंधों के सौहार्द को भी बनाए रखने का प्रयास करती है। अर्थात इस कहानी में जो बातें हैं वो एक किशोर वय का जो बालक है आपके जैसा, उनकी कहानी है। वो क्या करता है? अत्याचार का प्रतिकार करता है किंतु संबंधों में भी सौहार्दता अर्थात प्रेम की भावना जो है इसको भी बनाए रखने का वह प्रयास करता है। बात जरा सी थी, मोहन था कि रोए चला जा रहा था। लोग समझा समझा कर थक गए कि बड़े छोटों को पीटते चले आए हैं। और आज से नहीं, हमेशा से होता रहा है समाज में। हम देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इसी मानसिकता के जो लोग हैं वे उस मोहन जो अत्याचार का विरोध कर रहा है उससे बात करते हुए कहते हैं कि बड़े छोटों को पीटते चले आए हैं, अगर पुलिस अंकल ने उसको एक चपत लगा भी दी तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उस पर? बड़े हैं, पड़ोसी हैं, प्यार भी करते हैं, अच्छे बुरे में काम भी आते हैं। पर अब वह रोते रोते मुंह बिसूरने लगा था, उसकी हिचकियां बंध गई थी। अर्थात मोहन था कि रोते जा रहा था और जैसे रोते समय हमारे चेहरा जो है वो बिसूर जाता है, अर्थात चेहरा की जो आकृति हो बदल जाती करते रहते हैं। आप भी रोते हैं ना? हाँ, घर में जैसे आपको माता पिता कभी डांटते हैं या मार देते हैं तो हमारी इस तरह की स्थितियां होती है। ऐसे ही उस पुलिस अंकल ने मोहन को मार दिया था तो इसलिए मोहन जो है रो रहा था और हिचकियां निकल रही थी, इस तरह से उसकी हिचकियां बंध गई थी। लोग उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, अरे भाई बड़े हैं,
जरा जल्दी होगी। किसी ने उन्हें नहीं टोका, एक तुम ही उनके आड़े आ गए, ऐसा किसी ने कहा। तब मोहन कहता है, क्योंकि गलती उनकी थी, बड़ों ने उन्हें नहीं टोका और मैंने उन्हें टोक दिया तो मुझे पीट दिया। क्यों, कोई बड़ा उन्हें टोकता तो क्या वे उसको भी चांटा जड़ देते? नहीं तो मुझे किस लिए पीट दिया, कि मैं बच्चा हूं, छोटा हूं और कमजोर हूं, इसलिए? तो क्या कोई भी छोटा होगा, कोई भी कमजोर होगा तो वो उसको पीट देंगे, और जो सामर्थ्यवान है उसको नहीं पीटेंगे? ऐसा मोहन जो है उनके सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? देखिए, जो भी उनसे बात करता, रो रहा था, उसको समझाने का प्रयास करता, तो मोहन उन सबसे यह प्रश्न करता कि पुलिस अंकल ने गलती की थी, मैंने उन्हें टोका तो उन्होंने मुझे मार दिया, मैंने क्या गलती की ये बताइए। गलती उन्होंने किया, पंक्ति उन्होंने तोड़ा था, तो वो सबसे जिरह किया जाता था, सबसे बहस किया जाता था, तर्क करता था। वो अपने प्रश्नों का जवाब चाहता था कि उसकी गलती क्या है ये कोई बताए। अब लोग यह सोचने लगे कि इसको अब कौन समझाए। कुछ ने कहा, रोता है रोने दो, कब तक रोएगा? कोई कहता है, अभी थक कर आप चुप हो जाएगा, अर्थात इसको चुप कराने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, थोड़ी देर रोएगा चुप हो जाएगा, जैसे आप रोते हैं थोड़ी देर में चुप हो जाते हैं, वैसे वो भी चुप हो जाएगा, ऐसा लोगों ने कहा। जिरह, जिरह का मतलब होता है तर्क। किसी ने कहा, चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलें, सुबह सुबह ही रोनी सूरत सामने पड़ी, छुट्टी का दिन ना बिगड़ जाए। इतना कहकर दूध के बूथ के आगे खड़े लोग बिखर गए। देखिए, घटना कहाँ हुआ था, जैसे शहरों में देखते हैं दूध लेने के लोग जो है दूध के बूथ के पास जाते हैं और वहाँ से बारी बारी से दूध लेते हैं, तो ऐसे ही उस पुलिस इंस्पेक्टर को जल्दी रहा होगा, वो पंक्ति में न खड़ा होकर पंक्ति तोड़कर आगे चले गए और वो अपने प्रभाव, अपने पद और प्रभाव को दिखाते हुए जल्दी से वहाँ दूध लेने लगे। ऐसे में ही मोहन ने उन्हें टोक दिया कि आप पंक्ति तोड़कर कैसे आगे जा रहे हैं, दूध लेने के लिए हम भी आए हैं, आपको भी लेना है तो आपको पंक्ति में पीछे आकर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी बारी आने पर आप दूध लेंगे। इतना जब मोहन ने कहा तो पुलिस अंकल ने उसे पीट दिया था। तो इतना कहकर दूध, चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलें, सुबह सुबह वही रोनी सूरत सामने पड़ी, छुट्टी का दिन न बिगड़ जाए। इतना कह सुनकर दूध के बूथ के आगे खड़े लोग बिखर गए, अर्थात अपने अपने घरों की ओर चले गए। दूध खत्म होने पर दूध वाला भी बूथ बंद कर चला गया, अर्थात दूध जिस बूथ में मिलता था वहाँ से भी दूध खत्म हो गया, अर्थात जितना दूध था उसको उन्होंने लोगों को बांट दिया। उसके बाद वह भी अपना बूथ जो है बंद करके चला गया, पर वह वहीं खड़ा रोता रहा, रोता रहा, टस से मस ना हुआ। कौन? हाँ बिल्कुल सही, मोहन। तो मोहन जो है वहीं के वहीं डटा रहा, टस से मस ना हुआ, अर्थात वहाँ से हिला नहीं। सूरज की किरण चमकने पर भी जब वह घर न पहुंचा तो उसकी माँ ने इधर उधर पूछा, अरे सुबह से मोहन गया हुआ है, बाकी सब लोग तो आ गए लेकिन मोहन अभी तक कैसे नहीं आया है? ऐसा उसकी माँ ने आजू बाजू के लोगों से पूछा। तब पड़ोस के गुल्लू ने सारी बातें बतलाई। सुनकर माँ उस बूथ के पास गई तो वह उनसे लिपट गया, छोटा बच्चा है, अनायास उसको मार दिया गया, बहुत पीड़ा हुई। अनुभव करता है, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो सही बात के लिए पुलिस अंकल को टोका, फिर भी उसने मुझे मार दिया और कोई मेरे साथ सहानुभूति दिखाने के लिए नहीं आया। वो वहीं पर खड़ा रोता रहा। जब उसकी माँ आई तब देखिए माँ के प्रति बच्चे का प्रेम कैसा होता है, इसको आप सब भली भांति जानते हैं, अपनी अपनी माँ से प्रेम करते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही दुख की जब घड़ी आती है तो हमें माँ याद आती है। जब वो वहाँ पर रो रहा था और माँ जब वहाँ आई तो उनसे लिपट गया और लिपट लिपट कर हिचकियाँ भर भर कर रोने लगा। माँ ने भी वही कहा, क्या कहा, जो सबने कहा था कि बड़े हैं मार दिया तो क्या हुआ। माँ कहती हैं, अरे बेटा बड़े हैं बाप बराबर, तनिक चपतिया दिया तो क्या हो गया,
कौन सा तीर तान दिया, चुप भी हो जा अब, ऐसा माँ ने उसको कहा। जब त्या दिया मतलब क्या हुआ, चपत लगा दिया या मार दिया। मार दिया तो कुछ नहीं, और मार दें, पर मेरा कसूर तो बताएं। कसूर मतलब होता है गलती, मैंने क्या गलती किया है ये गलती तो बताएं। बप्पा को कारखाने में यूनियन वालों ने मारा, वे अस्पताल में पड़े हैं, उनका कोई कसूर होगा, पर मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या गलती किया, मैंने तो उनको सही बात के लिए टोका था, मैंने तो उन्हें पंक्ति में आकर खड़ा होने के लिए कहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस अंकल ने सबके सामने मुझे मार दिया। कम से कम मार दिया तो मार दिया, मेरी गलती क्या थी ये बता देते, वो न बताए लोग बता देते कि कहाँ पर मैं गलत था, लेकिन कोई मुझको मेरी गलती नहीं बता रहा है। मैं मार खाने से नहीं डरता, मैंने गलत किया है तो मुझको एक नहीं आप चार बार चपत लगाइए, लेकिन मेरी गलती बताइए, ऐसा मोहन अपनी बात पर अडिग रहते हुए माँ से कहने लगा। अब माँ उनकी बात को सुनकर कहती हैं, अब जिद मत कर, तूने दूध भी नहीं लिया, तेरे बप्पा को अस्पताल नाश्ता देने जाना है, तुझे याद नहीं। जब माँ ने ऐसा कहा तब मोहन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो पुलिस अंकल के घर, क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे मारा था। तो माँ कहती है, मान भी जा बेटे, मैं उनसे कह दूंगी कि आगे से ऐसा सुलूक ना करें बच्चों के साथ। तो ऐसा माँ कहती हैं मोहन से कि मैं उनको जाकर समझा दूंगी कि आगे से वे ऐसा बच्चों के साथ मारपीट जैसा कार्य ना करें, अर्थात बच्चों से प्रेम से पेश आना चाहिए, तो वैसा वे प्रेम का व्यवहार बच्चों से करें, ऐसा मैं उन्हें कह दूंगी, माँ ने मोहन से कहा। पर मोहन कहता है, पर जो दो चांटे मुझे जड़ दिए उनका क्या, उन्होंने सबके सामने मुझे मार दिया था। माँ कहती है, उनका क्या, अब चुप भी हो ले, नहीं तो मैं भी लगा दूंगी, चल, ऐसा करके माँ ने भी उसको डांट लगाया। तब मोहन कहता है, तो तुम भी क्यों चुको, लगा दो, जैसे उसने लगाया था वैसे तुम भी मार दो मुझे। मोहन जो है माँ से कहता है, माँ कहती है, मैं कहती हूँ घर चल, अस्पताल जाना है, अब उठ भी। जब माँ ने कड़क स्वर में कहा तब मोहन कहता है, मैं नहीं आता, पुलिस अंकल के घर जाकर पूछूंगा उनसे कि मेरा कसूर बताइए, कि मेरी क्या गलती है ये आप मुझे बता दीजिए, आपने मुझे क्यों मारा ये आप मुझे बता दीजिए, नहीं आता तो जा मार कहीं। इतना कह माँ सिर का पल्ला ढककर वहां से चल दे। ट्रिन 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 घंटी घन घनाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो पाया भीगी आंखें लिए सामने मोहन खड़ा है। उसे देखकर शेर सिंह सक पकाए, क्योंकि ये घंटी किसने बजाई होगी, हाँ घंटी बजाई मोहन ने, किसके घर की घंटी बजाई, बिल्कुल सही, शेर सिंह के घर की घंटी बजाई, और शेर सिंह ने उन्हें दरवाजा खोला, सामने देखा तो भीगी हुई आंखें लिए रोता हुआ चेहरा मोहन का सामने दिखाई देता है। तो ऐसा देखकर शेर सिंह जो है सक पका गए, घबरा गए, अरे ये कैसे हो गया, ये लड़का यहाँ कैसे आ गया, ऐसा वो सोच में पड़ गए। और जब सामने मोहन था वो कहता है, अंकल आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था, सुबकते हुए उसने यही सवाल शेर सिंह से पूछा। शेर सिंह स्वभाव से कड़क स्वभाव के हैं, कहते किसने मारा, किसको मारा, मैं कुछ नहीं जानता, आपने मारा मुझे, आखिर क्यों मारा, जा मारा तो मारा, दफा हो जा यहां से, नहीं तो और पिट जाएगा, चल खिसक, वे गर्जे। मोहन कहता है, मारो और मारो, पर मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि मेरा कसूर क्या था। मोहन भी कड़क कर शेर सिंह से बोला। अब जब दोनों तरफ से गहमा गहमी की आवाज आ रही है, तब आसपास के घरों के मुंडेरों से 10-5 चेहरे उभर आए और देखने लगे कि वहां हो क्या रहा है। देखा बरामदे के सामने मुंह बिसुरता मोहन खड़ा है और अपने बरामदे में झल्लाए शेर सिंह। अब शेर सिंह जो झल्लाए हुए हैं उनकी आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रही है, पड़ोसी लोग भी सुन रहे हैं। क्या सुनते हैं, जाएगा भी यहाँ से या दो एक चपत खाकर ही टलेगा। तब
देखिए जब शेर से कड़क स्वर में बात करता है तब मोहन भी अपनी बात पर अडिग कहता है, आप जो चाहें करें पर जब तक मेरा कसूर नहीं बताएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अजीब उज्जत ढीठ लड़का है, किसी एक पड़ोसी ने दूर से सुनते हुए कहा। देखिए आप इसे समझाएं, अगर यहां से दफा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद करवा दूंगा। शेर सिंह गरजे, पड़ोसियों की ओर इशारा करते हुए देखते हुए फिर, आप जो चाहे सो करें और मेरा कसूर बताएं जिससे मैं आगे ऐसा कुछ न करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन ने कहा, भाई आपने मारा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गलती क्या थी आप मुझको बता दीजिए ताकि मैं अगली बार ऐसी कोई गलती न करूं जिसके कारण से मुझे किसी से मार खाना पड़े, तब मेरी गलती मुझे बता दीजिए। मोहन ने कहा, अभी तो तुम बस इतना कर कि यहां से दफा हो जा मतलब चला जा, नहीं तो वे भन्ना है, सच पड़ोस का लिहाज है, वरना इस बच्चों को वह सबक सिखाता कि शेर सिंह कूड़ते हुए बोले। परसों ही वे नायक से तरक्की लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने थे, उनकी पदोन्नति हुई थी, तरक्की मतलब होता है पदोन्नति। तो मोहन कहता है, मैं सबक सीखने ही यहाँ आया हूँ, नहीं तो आपने वहाँ मार दिया मुझे, मैं थोड़ी देर रो लिया और अपने घर चला जाता, तो इससे मुझको कोई सबक नहीं मिलता। मैं यहाँ अपने सबक सीखने आया हूँ, मेरी गलती क्या थी वो जानने ही आया हूँ, तो मैं यहाँ सबक सीखने ही आया हूँ। आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वाले को टोकना कोई पाप है? यार इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है, किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी अपने घर से नीचे उतरे, वर्मा जी भी साथ आए और उसे पुचकार कर दिलासा देते हुए बोले, बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ। आप सच माने मेरी हेठी नहीं हुई, अगर अंकल ने पीट दिया और लगा दे दो चार, पर बताएं तो आखिर क्यों मारा मुझे? ऐसा मोहन ने जो शर्मा जी और वर्मा जी थे उनसे कहा। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, कहा ना भाई बड़े हैं इसलिए उन्होंने मार दिया, ऐसा शर्मा जी और वर्मा जी ने उस मोहन से कहा। बड़े तो आप सब हैं, सभी पीट दें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना तो बताएं कि क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं कमजोर हूं इसलिए आपने मुझे मार दिया? तो क्या कोई भी छोटा या कमजोर होगा तो उसे आप मार देंगे? ऐसा मोहन ने उनसे कहा। नहीं नहीं यह बात नहीं, तुमसे कोई बदतमीजी हुई होगी इसलिए बस। तब मोहन कहता है, तो यह बता दे कि क्या बदतमीजी हुई, मैंने क्या बदतमीजी अंकल से किया था वो बता दे मुझे, ताकि मैं उससे सावधान हो जाऊं और अगली समय किसी से बदतमीजी ना करूं। तब शेर सिंह कहता है, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना हो। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, जैसे पुलिस वाले कड़क से बोलते हैं ना वैसे ही शेर सिंह ऐसा बोला। तब उसकी बात को सुनकर मोहन कहते हैं, ठीक है तो मैं भी यहीं बैठा हूं आपके फाटक के बाहर। वो भी अपनी बात पर अड़ गया। तब जब मोहन अपनी बात पर अड़ गया तब शेर सिंह कहता है, बैठ अमर हमारी बला से। तभी उनकी घर वाली बाहर आई और उसने सामने खड़े लोगों के हाथ जोड़कर वहां से जाने को कहा, भाई आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, जो भी मामला है इसको हम शांत कर लेंगे, ऐसा शेर सिंह की पत्नी ने कहा और मोहन की बांह थामकर भीतर ले आई, घर के अंदर ले आई और अंदर ले जाकर बड़े प्रेम से उनसे बात करते हुए कहती हैं, अब बोल बेटा क्या गजब हो गया, अगर इन्होंने एकाध लगा भी दी तो क्या हुआ? ऐसा शेर सिंह की पत्नी ने मोहन को घर के भीतर ले जाकर कहा और कहती हैं, जैसी हमारी अमृत वैसा तू, चल मुंह धो ले, कुल्ला कर और नाश्ता कर ले, उठ मैंने अच्छा अच्छा भी नाश्ता बनाया है, ऐसा शेर सिंह की पत्नी ने मोहन से कहा। मोहन कहता है, आंटी आपकी बात सर आंखों पर, आप जो कहते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ, पर
अंकल बताएं तो। अब सेठ जी की पत्नी को भी गुस्सा आ गया, कहते हैं अब क्या बताएं, समझ ले कि गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने मार दिया। तब मोहन कहता है तो बस बाहर पांच पड़ोसियों के सामने यही कह दें कि उन्हें गुस्सा आ गया था इसलिए उन्होंने मार दिया, अर्थात मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने जो मारा वो गुस्से के कारण मारा था, मेरी गलती के कारण उन्होंने नहीं मारा था, यह बात जो है पांच पड़ोसियों के सामने जाकर कह दें। ऐसा मोहन ने आंटी से कहा। तब आंटी कहती है भाई तू तो बहुत जिद्दी है, इससे क्या हो जाएगा। मोहन कहता है मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ठीक काम किया था, माने अंकल को मैंने जो टोका था बिल्कुल ठीक किया था, ये मुझे तसल्ली हो जाएगी। तब शेर सिंह की पत्नी कहती है मैं कहती हूं कि तुमने गलती नहीं की, ठीक किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब मोहन कहता है आपने कहा और माना पर पीटा तो अंकल ने और वो भी सबके सामने, तो इस बात को स्वीकार करना है किसको, अंकल को, और कहां, पड़ोसियों के सामने, क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने मुझे मारा था, तो लोगों के सामने जाकर वे स्वीकार कर लें कि मैंने गुस्से के कारण से मोहन को मार दिया था, ये बात वे जो है पड़ोसियों के सामने जाकर कह दें। ऐसा मोहन ने कहा किससे, आंटी से। अजी सुनते हो सुबह सवेरे क्या महाभारत रचा बैठे, कह दो कि ठीक था मोहन, बस गुस्से में पीट दिया, इतना कह दो और बात खत्म करो। अब ऐसा जब शेर सिंह की पत्नी जो है शेर सिंह से कहती है, तब शेर सिंह कहता है बस बस रहने दो अपनी भल मनसाहत, यह नाचीज मुझे अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपमानित करना चाहता है। शेर सिंह गुर्रा है। शेर सिंह की पत्नी कहती इसमें क्या हुआ जो हेठी होती है आपकी। शेर सिंह कहता है तुम रुको मैं अभी धक्के मार मार कर बाहर कर देता हूं। इतना कहकर शेर सिंह मोहन की ओर आगे बढ़े। आप क्यों हलाकान होते हैं अंकल, मैं खुद ही चला जाता हूं आपके घर से। मोहन ने इतना कहा और हाथ जोड़कर बाहर आ गया, पर गया नहीं घर से बाहर आया, लेकिन घर से गया नहीं घर के बाहर, फाटक पर ही घुटनों में सिर रखकर बैठ गया। उधर वह पुलिस की नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगी। कौन, शेर सिंह। हाँ, तभी उनकी पत्नी शेर सिंह की पत्नी शेर सिंह से कहती है सुनिए वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है, कह दो कि गुस्सा आ गया था, क्यों जगत में डंका पिटवाते हो कि बित्ते भर का छोकरा थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रह किए बैठा है, कहीं अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा, फिर आज गांधी जयंती भी है और गांधी जयंती के दिन पुलिस वाले के घर के सामने कोई लड़का सत्याग्रह कर रहा है, ऐसा यदि अखबार वालों को पता चलेगा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा, और अभी अभी आपका प्रमोशन हुआ है, आपकी उन्नति हुई है। ऐसा जब शेर सिंह की पत्नी ने कहा तब शेर सिंह कहते हैं क्या कहती हो, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, कहूं कि मेरे बाप बख्शो, अर्थात मुझे क्षमा कर दो, ऐसा कहूं उस लड़के से जाकर। और ऐसा जब ये बात चल ही रहा था, संवाद चल ही रहा था, तभी सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की गूंज सुनाई देने लगी। खिड़की से झांका तो देखा लड़के झंडे और तख्तियां उठाए प्रभात फेरी पर निकले हैं, जैसे आप सभी प्रभात फेरी निकालते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के समय, वैसे ही गांधी जयंती के दिन वहां के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाला था और सबके हाथों में एक एक तख्तियां थी जिसमें किसी में गांधी जी का फोटो था, किसी में सत्य अहिंसा लिखा हुआ था, कहीं पर अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है, ऐसी पंक्तियां लिखी हुई थी। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भीतर खड़े थे और मोहन बाहर फाटक पर डटा था, वो गया नहीं था। तभी लड़कों की टोली आ पहुंची वहां इंस्पेक्टर के दरवाजे पर जहां मोहन बैठा हुआ था, और उन लड़कों ने जो लड़के प्रभात फेरी में थे उन लड़कों ने वहां अपने साथी को गठरी बना बैठे देखा तो सब वहीं रुक गए।
क्योंकि सब उसके परिचित के थे, उसके दोस्त थे, उसके मित्र थे, जैसे आप सभी मित्र हैं आपस में उस तरह। और उन लड़कों ने मोहन से पूछा, क्या हुआ मोहन यहां? ऐसा लड़कों ने अपने मित्र मोहन से पूछा। अब किसी ने कहा, चलो इसे भी साथ ले लो, इसे भी तो एक तख्ती बनानी थी, कल तो बात हुई थी, हम सब ने तख्तियां बनाई हैं, ये भी बनाऊंगा बोला था, लेकिन अब ये तो प्रभात फेरी में भी नहीं आया और इसके हाथ पास तख्ती भी नहीं है और ये यहां बैठा हुआ है। तभी किसी ने कहा, चलो मोहन प्रभात फेरी में यहां बैठे क्या कर रहे हो? आगे वाले बड़े लड़के ने उसे बाहों थाम कर उठाया तो देखा उसकी आंखें सूज कर लाल हो गई हैं और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और उनकी आंखों से जब आंसू बहते हुए देखा लोगों ने, तब उन लोगों ने कहा, उनके मित्रों ने कहा, अरे क्या हुआ इसे, क्यों रो रहा है? ऐसा सबके मुंह से निकला, सभी उससे पूछने लगे हैं। तभी एक लड़के ने जो सुबह दूध लेने आया था सारी बात बताई और कहा कि मोहन सुबह से इस बात पर अड़ा है कि अंकल बताएं उसने ऐसा क्या कसूर किया था जो उन्होंने उसे पीट दिया। सब समझाकर हार गए पर यह यहाँ से टलता ही नहीं और तब से अब तक ये यहीं बैठा हुआ है, रो रहा है। पहले वहाँ दूध के बूथ पर था और उसके बाद से इस इंस्पेक्टर के घर पर आकर बैठकर रो रहा है और ये अपनी गलती को पूछ रहा है, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा, यहाँ से टल नहीं रहा है। ऐसा एक लड़के ने बताया। किसी ने कहा, मोहन तुम्हारी तख्ती का पन्ना कहाँ है? कल तो हेगड़ी बखार रहे थे कि गांधी जी की वह बात चुनूंगा। देखिए गांधी जी के जीवन से हमें बहुत सी शिक्षा मिली है, तो वैसे ही उनकी जो एक एक शिक्षा है उस पर आधारित एक एक तख्तियाँ लोगों ने सब बनाई थी और मोहन ने भी अपनी तख्ती बनाने की बात लड़कों से की थी और उनको यह भी कहा था कि मैं ऐसी बात चुनूंगा, देखना मेरी तख्ती सबसे अलग हट कर रहेगा और मेरी तख्ती में जो पंक्ति लिखा रहेगा वो बहुत प्रभावकारी होगा। ऐसा मोहन ने अपने मित्रों से कहा था। वह तो यह रहा, लो पढ़ो, कहकर मोहन ने एक कागज बढ़ा दिया। वो कागज लिख के रखा था, जेब में रखा था, जेब से निकाल कर उन्होंने दिखा दिया, ये देखो मैं ये अपनी तख्ती में लिखने वाला था। उस पर लिखा था, क्या लिखा था? उस पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। ऐसा उस तख्ती में लिखा हुआ, उस कागज में लिखा हुआ था जिसे मोहन ने अपने मित्रों को दिखाया। ठीक है, गांधी जयंती पर गांधी जी की एक बात को सही करके दिखाएं। इतना बोल एक लड़के ने तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से कहा, दोस्तों अंकल को सफाई देनी ही होगी, हम सब यहीं रुकें, बोलो महात्मा गांधी की जय। अंकल बाहर आइए, अंकल बाहर आइए, और आसपास ऐसे ही नारे गूंजने लगे। और जब इस तरह के नारे गूंजने लगे तब निश्चित रूप से आसपास के लोग भी वहां आकर जमा हो गए। अब तो मोहल्ले भर के लोग भी वहां जमा हो गए, नारे गूंजते रहे महात्मा गांधी की जय, अंकल बाहर आओ, ऐसे नारे गूंजते रहे। मोहन हाथ जोड़कर फाटक के आगे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और शेर सिंह के साथ बाहर आए। फिर सबको स्नेह से देखते हुए बोले, प्यारे बच्चों सुनो, अंकल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर वे पीछे हट गए। अब सामने पुलिस अंकल आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज्यादती हो गई, मैं अत्याचार कर बैठा, गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया, कसूर मेरा ही था, मोहन का कसूर नहीं था, मैं शर्मिंदा हूं। इतना सुनना था कि मोहन ने आगे बढ़कर अंकल के चरण छुए और जोरों से नारा लगाया, अंकल जिंदाबाद। तो इस तरह से मोहन ने सत्याग्रह करके अंकल से अपनी बात मनवाई और यह सिद्ध किया कि अत्याचार को सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है। मोहन ने अत्याचार को नहीं सहा, उसका विरोध किया,
गलती उसकी नहीं थी, फिर भी उसको मार पड़ी थी। अब वो इस बात पर अडिग हो रह गए कि मेरी गलती क्या थी, आप मुझे बताएं तब मैं यहाँ से जाऊँ। यदि मेरी गलती नहीं थी तो आपको अब अपना गलती स्वीकार करना होगा कि आपने अनायास बिना किसी गलती के एक लड़के के ऊपर, एक छोटे बच्चे के ऊपर जो कमजोर गरीब है उसके ऊपर आपने हाथ उठाया था। प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा मिनी महात्मा, तो जैसे हम कहते हैं महात्माओं की बात करते हैं, तो जितने महात्माओं को आप देखेंगे, उनके जीवन चरित्र को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जितने लोग भी महान हुए हैं वे जीवन के छोटे छोटे क्षणों का उन्होंने सदुपयोग किया और अन्याय और अत्याचार का विरोध किया, तभी जाकर वे महान बन पाए हैं। तो ऐसे ही इस पाठ में, इस पाठ का जो केंद्रीय पात्र है मोहन, वो भी महात्मा गांधी के नाम पर ही आधारित है। आइए इस पाठ के कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूँ, प्रश्न आप नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, मोहन ने अपने व्यवहार में विरोध को शामिल कर साबित किया कि अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है, कैसे, ये आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, वह जरा सी बात क्या थी जिसकी वजह से मोहन लगातार रोए जा रहा था। चौथा प्रश्न लिखेंगे, शेर सिंह की पत्नी ने लोगों से क्या और कैसे कहा। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को उत्तर आप लिखेंगे और अपने विषय शिक्षक से इन उत्तरों का परीक्षण कराएंगे, और गांधी जी के जीवन से मिलने वाली अन्य शिक्षाओं को भी जैसे मोहन ने अपने जीवन में उतारा, वैसे ही आप भी अपने जीवन में गांधी जी की शिक्षाओं को उतारेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार।